नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्री कृष्ण हरी है। मैं बिहार से हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में मैं भी भारत यात्रियों में एक हूँ। अनुभूति अनुभव कई दिशाओं में रहे हमारे, और कई कहानियाँ कुछ इस किस्म की रही कि जिन्होंने अंदर तक हिला दिया। शायद वो कहानियाँ ऐसी थी जिन्हें पहले हमारे पूर्वज जानते समझते थे, उन्हें आत्मसात करते थे, लेकिन वो कहीं गुम होती चली गई। ऐसी एक भारत की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। मैसूर में दशहरा की हाथियों द्वारा निकाली गई वार्षिक शोभा यात्रा। मैसूर की भव्य दशहरा शोभा यात्रा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जहां हाथियों का एक दल देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति 750 किलोग्राम सोने के हौदे पर अपनी पीठ पर लेकर एक शोभा यात्रा में मैसूर महल से निकलकर बंकीवट तक जाता है। लेकिन तकरीबन 80 साल पूर्व एक विचित्र घटना घटी। मुख्य शाही हाथी, जिसे ये जिम्मेदारी निभानी होती है, वो रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गया। महावतों ने, वन अधिकारियों ने, महल के सेवादारों ने, सभी ने प्रयास किया कि हाथी जल्द से जल्द स्वस्थ हो, लेकिन ऐसा हो न सका। महावत अंततो गत्वा हाथी को इमाम वली शाह जी की दरगाह पर लेकर गए और उन्होंने अपनी परेशानी वहां के सूफी संतों को बताई। संतों ने हाथी को दरगाह के तालाब में नहलाया और एक ताबीज हाथी के पैरों में बांधी। ताबीज ने अपनी शिफा दिखाई। हाथी, जो कई दिनों से बीमार था, शाम होते होते स्वस्थ हो गया। महावतों ने और महल के सेवादारों ने यह तय किया कि भविष्य की सभी यात्राओं से पूर्व आयुध पूजा की शाम को, शाम 6 से 7 के बीच, महावत हाथियों को दरगाह ले जाते हैं। वहाँ के तालाब में हाथी स्नान करते हैं, सूफी संतों को अगरबत्ती और बूंदी की भेंट अर्पण करते हैं, सूफी संत मयूर पंख से हाथियों को आशीर्वाद देते हैं, और यात्रा की सफलता और हाथियों के स्वास्थ्य के लिए दुआ करते हैं। ये प्रथा निरंतर चली आ रही है और ये एक इबारत के तौर पर स्थापित है। उस शोभा यात्रा की शोभा इस प्रथा के बाद और भी उज्जवल हो गई। ये कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमारे भारत की गंगा जमनी तहजीब का प्रमाण है, जो कहीं गुम होती चली जा रही है। प्रयास होना चाहिए कि ये कहानियां जनमानस तक दोबारा पहुंचे। भारत जोड़ो की यात्रा के क्रम में कहानियां तो यूं कई आई, परंतु इस कहानी ने मर्महत कर दिया। वैमनस्य का जो माहौल आज देश में फैलाया जा रहा है, धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, प्रांतीय आधार पर, जिस किस्म से देश के लोगों को बांटा जा रहा है, ये कहानियां हमारे उस विश्वास को सुदृढ़ करती है कि भारत अनेकताओं में एकता का देश है, विविधताओं में एकता का देश है। परंतु यदि इन कहानियों को आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताया गया, तो क्या हमारी पीढ़ियां इस भाव को समझ पाएंगी, इस परस्पर सहभागिता के भाव को समझ पाएंगी? सोचिएगा, सोचने की बात है। शुक्रिया।